Hello friends, welcome back to your own channel Unique Inspiration, जहां करते हैं हम अपनी English की practice और करते हैं अपनी English को improve बहुत ही interesting way में। I hope बाकी सारे videos की तरह आपको आज का video भी पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही interesting है। आज हम सीखेंगे कुछ नए phrasal verbs और उनको जानेंगे कि अपनी डेली इंग्लिश सेंटेंसेस में हम इन फ्रेजल वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं। तो बगैर देर करे जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि आप कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है स्पीक अप। स्पीक अप का हिंदी में मतलब होता है साफ तौर पर बोलना, यानी जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आप सोचते हैं, उसको साफ तौर पर किसी को बता देना, कह देना। इसको और क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। तो पहला एग्जांपल है, अगर आप असहमत हैं तो कृपया बोलें। कोई डिस्कशन चल रहा है किसी बात को लेकर, और अगर आप उससे एग्री नहीं करते हैं, जो भी कंक्लूजन निकल कर आता है उससे आप एग्री नहीं करते हैं, या कोई प्लान है उससे आप एग्री नहीं करते हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, आप सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है उसको आप साफ तौर पर बोलिए। इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू डिसएग्री Please speak up. If you disagree, please speak up. आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उनमें से कई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? सपोज कोई कंपनी है जिसमें कि कई एम्प्लॉयज जो हैं, उनसे जब पूछा जाता है उनकी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो कोई आंसर ही नहीं कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं दे रहे हैं उसके बारे में। तो उसी को यहाँ पे बोला है कि उनमें से कई बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे मैनी ऑफ देम आर नॉट रेडी टू स्पीक अप। मैनी ऑफ देम आर नॉट रेडी टू स्पीक अप। नेक्स्ट वन इज एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है अनुचित वर्ताव। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। उनका छोटा बेटा अक्सर पब्लिक में बुरा बर्ताव करता है। इंग्लिश में कहेंगे हर लिटिल सन ऑफन एक्ट्स अप इन पब्लिक। हर लिटिल सन ऑफन एक्ट्स अप इन पब्लिक। अब अगर आप लोगों को वैसे तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर छोटे बच्चे जब आप उनको मार्केट में लेके जाते हैं, सुपरमार्केट में लेके जाते हैं, तो अपनी पसंद की वो कोई चीज़ देखते हैं तो ज़िद करने लगते हैं कि उनको वो चीज़ चाहिए। अब जब पेरेंट्स उनको नहीं दिलवाते हैं किसी भी रीज़न से, तो वो पैर पटकना शुरू कर देते हैं, ज़मीन पर लौटने लगते हैं और चीज़ें फेंकने लगते हैं, बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जो कि बहुत अनोइंग और बहुत इरिटेटिंग होता है। इसी को ही बोलते हैं एक्ट अप। आइए और फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। इन द मिडिल ऑफ। इन द मिडिल ऑफ का मतलब होता है बीच में। इसका एग्जांपल है फिल्म इतनी खराब थी कि हम बीच में ही चले गए। आप कोई मूवी देखने गए, वहाँ पर थोड़ी बहुत आपने देखी और आपको समझ में आ गया कि भाई ये मूवी एंटरटेनिंग मूवी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, तो आप उस फिल्म को बीच में ही छोड़कर आ गए। इसको इंग्लिश में कहेंगे द मूवी वॉज सो बैड वी वॉकड आउट इन द मिडिल ऑफ इट। द मूवी वॉज सो बैड वी वॉकड आउट इन द मिडिल ऑफ इट। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। उसने टीवी शो के बीच में ही बंद कर दिया। अक्सर घरों में ऐसा होता है, भाई बहन के बीच में भी होता है कि झगड़ा हो रहा है,
रिमोट मुझे चाहिए, मुझे ये प्रोग्राम देखना है, रिमोट मुझे चाहिए, मुझे ये प्रोग्राम देखना है। तो उनमें से कोई एक उठा और उसने टीवी ही स्विच ऑफ कर दिया। इसको ही इंग्लिश में कहा, शी टर्नड ऑफ द टीवी इन द मिडल ऑफ द शो। शी टर्नड ऑफ द टीवी इन द मिडल ऑफ द शो। नेक्स्ट वन इज गो डच। गो डच का मतलब होता है अपना भुगतान खुद करना। जैसे कि सपोज आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी कैफ़े में गए हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि जो भी वहाँ पे आप लेंगे, सपोज़ आपने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, तो जो भी कॉफ़ी आप लोगों ने पी है, हर एक पर्सन अपना ही कॉफ़ी का बिल खुद पे करेगा। जब हम अपना बिल खुद पे करते हैं उसको ही बोलते हैं गो डच। इसका एग्जांपल है, उन्होंने अपना बिल खुद चुकाने का फैसला किया था। कहीं पे जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी कैफ़े में जा रहे हैं या फिर शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो ये पहले से डिसाइडेड था कि भाई हर एक कोई अपना अपना बिल खुद पे करेगा। इंग्लिश में कहेंगे दे डिसाइडेड टू गो डच। दे डिसाइडेड टू गो डच। एक और एग्जाम्पल, हर कोई अपना बिल खुद चुका सकता है। Everyone can go Dutch. Everyone can go Dutch. Owe something to someone का मतलब होता है किसी का ऋणी होना। जैसे वह अपने जीवन में सफलता को कड़ी मेहनत का ऋणी मानता है। He owes his success in life to hard work. He owes his success in life to hard work. मैं आपसे माफी चाहता हूँ। I owe you an apology. I owe you an apology. Well off. Well off का मतलब होता है धनी। आइए इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि वे बहुत धनी नहीं हैं लेकिन वे खुश हैं। दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ बट दे आर हैप्पी। दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ बट दे आर हैप्पी। एक और एग्जाम्पल, उसके दादा दादी काफ़ी धनी थे। His grandparents were quite well off. His grandparents were quite well off. Next one is be good at. Be good at का मतलब होता है किसी चीज में कुशल होना। जैसे वह कंप्यूटर में अच्छा है। He is good at computer. एक और एग्जाम्पल है, वह खाना बनाने में अच्छी नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ नॉट गुड एट कुकिंग। शी इज नॉट गुड एट कुकिंग। मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है अधिक मूल्य निर्धारित करना, यानी किसी चीज़ के पैसे बढ़ जाना। एग्जाम्पल है, इन वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। आप कोई चीज़ खरीदने गए मार्केट में, आपने देखा कि आप एक हफ्ता पहले आए थे तब तो रेट कम थी और अब इन चीज़ों की रेट बढ़ गई है। इंग्लिश में कहेंगे दीज आइटम्स हैव बीन मार्क्ड अप। दीज आइटम्स हैव बीन मार्क्ड अप। ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है थमना। जैसे यह बर्फीला तूफान कब खत्म होगा। When will this snow storm blow over? मैंने सोचा था कि कुछ दिनों के बाद बहस खत्म हो जाएगी। I thought that after a few days the argument would blow over.
I thought that after a few days the argument would blow over. Next is stay at. Stay at का मतलब होता है ठहर। जैसे मैं 2 सप्ताह तक अपनी बहन के घर पर रहा, यानी मैं 2 सप्ताह तक अपनी बहन के यहाँ ठहरा। इंग्लिश में कहेंगे I stayed at my sister's house for 2 weeks. I stayed at my sister's house for 2 weeks. उन्होंने थोड़े दिनों तक होटल में रुकने की योजना बनाई जब तक कि घर पेंट होता है। किसी का घर पेंट हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि भाई जब तक घर पेंट होता है तब तक हम किसी होटल में रुक जाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे दे प्लान ए शॉर्ट स्टे एट होटल व्हाइल द हाउस इज बीइंग पेंटेड। दे प्लान ए शॉर्ट स्टे एट होटल व्हाइल द हाउस इज बीइंग पेंटेड। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा प्रैक्टिस का सेक्शन। यहाँ पर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को हिंदी में बोलूँगी और आप उनको बोलेंगे इंग्लिश में। मैं आपको कुछ टाइम दूंगी, जहाँ पर कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ उसी को आप इंग्लिश में बोलिए। अगर आप भटक जाते हैं तो वीडियो में वापस पीछे जाइए, जहाँ पर वो पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब है जिसको कि यूज़ कैसे करना है बताया गया है, उसको देखिए और फिर से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस। अगर आप असहमत हैं तो कृपया बोलें। उनमें से कई बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। फिल्म इतनी खराब थी कि हम बीच में ही चले गए। उसने टीवी शो के बीच में ही बंद कर दिया। उन्होंने अपना बिल खुद चुकाने का फैसला किया था। हर कोई अपना बिल खुद चुका सकता है। वह अपने जीवन में सफलता को कड़ी मेहनत का ऋणी मानता है। मैं आपकी माफी का ऋणी हूँ। वे बहुत धनी नहीं हैं, लेकिन वे खुश हैं। उसके दादा दादी बहुत धनी थे। वह कंप्यूटर में अच्छा है।
वह खाना बनाने में अच्छी नहीं है। इन चीजों के दाम बढ़ गए हैं। यह बर्फीला तूफान कब थमेगा? मैंने सोचा था कि कुछ दिनों बाद बहस खत्म हो जाएगी, मैं 2 सप्ताह तक अपनी बहन के घर पर ठहरा। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक का बटन हिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करना याद रखिए। मिलती हूँ मैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।